बताओ अमित, कैसे आना हुआ? अपनी टीबी की दवाइयाँ सही से तो ले रहे हो ना? हाँ सर, पर थोड़े दिनों से पेट में जलन हो रही है। ठीक है, आपका चेकअप कर लेते हैं। अमित, चिंता की बात नहीं है, कुछ टीबी की दवाइयों की वजह से ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन पेट में हो रही जलन को रोकने के लिए इन बातों का ध्यान रखना, दवाई खाने के बाद ही लेना। सारी दवाइयाँ एक साथ लेने के बजाय थोड़े थोड़े अंतर पे लेना। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, ज्यादा तेल वाला और तीखा खाना मत खाना, और ज्यादा देर तक भूखे भी मत रहना। ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इससे पेट में जलन कम होगी। और याद रहे, टीबी की कोई भी दवाई लेना भूलना मत, और अगर कोई भी तकलीफ हो तो आशा बहन को बता देना। धन्यवाद सर। सरिता, ऐसी समस्याओं के लिए तो आप भी पेशेंट को सलाह दे सकती हो। लेकिन सर, अगर कोई समस्या के बारे में हमें पता ना हो तो? अगर टीबी के बारे में तुम्हें कोई भी समस्या समझ ना आ रही हो तो इस निक्षय सेतु एप्लीकेशन की मदद से तुम टीबी के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकती हो। और ये एप्लीकेशन भारत सरकार की टीबी के बारे में जो गाइडलाइंस है उन्हीं के आधार पर बनाई गई है। इसमें टीबी के अलग अलग मॉड्यूल्स है जिसमें जाकर तुम टीबी के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले सकती हो। और यही नहीं, इसमें एक चैट बॉट भी है जिसमें तुम लिखकर या बोलकर अपनी समस्या बता सकती हो, और वो तुम्हें उसके आधार पर सही जानकारी प्रदान करेगा। अरे, ये तो बहुत ही उपयोगी एप्लीकेशन है हम जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। मैं आज ही इसे डाउनलोड कर लेती हूँ और दूसरी आशा बहनों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी डाउनलोड करने के लिए सलाह दूंगी। ये एप्लीकेशन सभी आरोग्य कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसे आप स्क्रीन पर दिए गए किसी भी ऑप्शन से डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखिए, टीबी के विषय में आपकी जागरूकता और जानकारी ही टीबी से लड़ने का मुख्य हथियार है।